कि सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यही षड्यंत्र चल रहा है। कैसे चल रहा है? तीन स्टेज पे काम होता है। 25 वर्ष तक की बच्चियों को बिगाड़ने का काम बॉलीवुड अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करता है। 25 से 35 वर्ष की शादीशुदा महिलाओं का जीवन और उनके परिवार को बर्बाद करने का काम एकता कपूर जैसी महिलाएं अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करती है। और जो नौकरी करती हुई बहन बेटियां महिलाएं हैं, जो कि वर्किंग विमेन हैं, उनका दिमाग खराब करने का काम ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने वेब सीरीज के माध्यम से करता है। कैसे करता है, मैं संक्षिप्त में एक एक उदाहरण देकर आपके समक्ष रखूंगी। और बहुत जरूरी है कि जब हम तो एक साधारण व्यक्ति है, हम संसारिक जीवन में रहते हैं, लेकिन यहां पर जो उपस्थित हमारे संतगण है, महंतगण है, इनके बहुत बड़ा फॉलोअर्स ग्रुप रहता है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी महिलाएं आती है। ये बात वहां तक पहुंचे क्योंकि वो यहां पर उपस्थित नहीं है, पर हमें पता है कि वीडियो के माध्यम से हमारे संत श्री, हमारे महंत श्री, हमारी ये वाणी जो है उन तक पहुंचाएंगे कि कैसे करते हैं, ये एक फिल्म बनाते हैं। 25 वर्ष की तक की बच्चियों को कैसे बिगाड़ना है? हिंदुओं के परिवारों को बिगाड़ने के, तोड़ने के षड्यंत्र चल रहे हैं। और सिर्फ एक हिंदू को नहीं खराब करना है, उसके पूरे के पूरे कुटुंब को बर्बाद कर देना है। तो एक भारत की महिला दो परिवार को जोड़ती है, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष। और हम कहते हैं कि भारत की परिवार व्यवस्था जो है वो मानवता की सबसे बड़ी देन है, तो इसी व्यवस्था को खत्म कर दो। कैसे कर दो? तो ये एक फिल्म बनाते हैं अतरंगी रे। हमारी क्योंकि दीदी भी यहाँ उपस्थित है जो कि सेंसर बोर्ड में सदस्य है, तो हम इतना उनसे विनती करेंगे कि हमारी ये बात भी उन तक पहुंचाए। सिस्टमैटिकली ये फिल्मों में लड़की दिखाएंगे हिंदू की, लड़का दिखाएंगे मियां भाई का, और उसमें भी दिखाएंगे कि वो लड़का चाहे अनपढ़ हो, चाहे गवार हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे पंचर छाप हो, और वो हिंदू की लड़की चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसका परिवार जो है वो रूढ़िवादी है, वो रिग्रेसिव है, और उसके सामने यदि वो घोड़ा भी चला रहा है, खच्चर टट्टू भी चला रहा है, तो वो बड़ा प्रोग्रेसिव है, वो बड़ा संस्कारी है। कैसे करते हैं? ये एक फिल्म बनाते हैं अतरंगी रे। अतरंगी रे फिल्म में जो कि आज की युवा बच्चियों का लेटेस्ट क्रश है, सारा अली खान हीरोइन लेते हैं, हमारी युवा बच्ची इसको फॉलो करती है। उसमें ये दिखाते हैं कि सारा अली खान जो एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ जाती है और अपने परिवार से विरोध करकर, उनसे लड़ झगड़ कर ट्रेन में बैठकर वो भाग जाती है। उसी ट्रेन में एक संवाद होता है उस पिक्चर के हीरो का और उसी हीरोइन का। दोनों अपनी अपनी लव स्टोरी शेयर करते हैं। तो हीरोइन पूछती है हीरो को कि तुम्हारी लव स्टोरी बताओ, तो वो कहता है कि कल मेरी शादी होने वाली है और लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है कि मैंने बचपन से जिस लड़की से प्यार किया, जिसके साथ पढ़ाई की, जिसके साथ मैं बढ़ा हुआ, उसी लड़की से मेरी बचपन की मित्र जो मेरे समाज की है, जो मेरे गाँव की है, उसके साथ ही मेरी शादी होने वाली है। तो वो हीरोइन कहती है अरे ये और कोई लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी नहीं हो सकती। तो हीरो पूछता है तो फिर क्या हो सकती है लव स्टोरी? तो वो कहती है कि मैंने एक मुस्लिम लड़के से प्यार किया है, मैं ठाकुरों की लड़की हूं, पूरा समाज, पूरा घर, पूरा परिवार मेरे खिलाफ है, और मैं उन सबको ठोकर मारकर, उनकी भावनाओं को ठोकर मारकर अभी ट्रेन में बैठकर भाग रही हूं उस लड़के से शादी करने के लिए। और वो हीरोइन वहां पर डायलॉग देती है कि लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियां भाई, और ये है असली लव स्टोरी। तब हमारी 13, 14, 15 साल की युवा बच्ची जिसके शरीर में हॉर्मोनल्स चेंज होते हैं, आकर्षण होता है विपरीत व्यक्ति के लिए, तब वो आकर्षण में ये सोचती है कि हिंदुओं के हिंदू बॉयफ्रेंड नहीं रखना, हिंदू हो के हिंदू से प्यार नहीं करना। आप इतिहास में छपेगी, आपकी लव स्टोरी तभी बनेगी जब आप किसी मियां भाई से प्यार करेगी और उससे शादी करेगी। तो कैसे सिस्टमैटिकली ये स्लो पॉइजन बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से फ्रेजाइल माइंड में डाला जा रहा है। और आज देखो कि क्यों समाज में लव जिहाद के इतने केस बन रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण बॉलीवुड है, क्योंकि इन बॉलीवुड वालों ने हमारी बेटियों को हादी रानी और रानी चिन्नम्मा रानी अब्बा का नहीं दिखाया, इन बॉलीवुड वालों ने हमारी बेटियों को करीना खान दिखाया है ताकि वो अपनी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करे। ये बॉलीवुड वाले लव स्टोरी पर फिल्म बनानी है तो ये हादी रानी और राजा रावत सिंह चुड़ावत पर क्यों नहीं बनाते? मैं आपको उनकी कथा शॉर्ट में करती हूं कि राजा रावत का शादी जो होता है वो हादी रानी से होता है, मेवाड़ के राजा है, और औरंगजेब की सेना आक्रमण करने आती है, और जब औरंगजेब की सेना आती है तो राजा रावत
सिंह का 2 दिन पहले ही विवाह हुआ होता है हादी रानी से। तो राजा जी की इच्छा नहीं होती कि मैं युद्ध लड़ने जाऊं, तो हादी रानी बड़े क्रोधित होते हैं। वो कहते तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम अभी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए आप युद्ध भूमि में जाओ और आप मेरी चिंता मत करना। यदि आप बलिदान भी हो जाओगे तो मैं प्राउडली अपने आप को आपकी विधवा कहूंगी। तब राजा रावत युद्ध लड़ने जाते हैं। युद्ध भूमि में राजा रावत जी को हादी रानी की बहुत याद आती है, क्योंकि नई नई शादी हुई होती है तो नई बियाई दुल्हन को छोड़ के आए होते हैं, तो बहुत याद करते हैं। तो वो अपने दूत को कहते हैं, अभी सेना आने में समय होता है और युद्ध में भी समय होता है, तो वो कहते हैं अपने दूत को कि जा तू रानी सा के पास, जा महल में और उनसे कहे कि राजा जी को आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपनी कोई एक निशानी उनको उनके लिए भेजो। दूत भी बड़ा टेंशन में आ गया कि ये युद्ध भूमि में बैठे और इनको हादी रानी की याद आ रही है, ये युद्ध लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे। पर वो दूत डरते डरते पहुंचा रानी सा के पास और रानी सा को कहता है कि राजा रावत जी ने आपकी एक निशानी मंगाई है, उनको आपकी बहुत याद आ रही है। तो रानी सा बहुत क्रोधित हो जाते कि ये मेरा पति कैसा, ये युद्ध लड़ेगा कैसे, औरंगजेब की इतनी बड़ी विशाल सेना है, यदि जहां युद्ध भूमि में बैठकर उसको रणनीति बनानी है वहां वो मेरी निशानी मंगवा रहा है। तब हमारी हादी रानी क्रोधित होती है, हाथ में तलवार लेती है, अपनी गर्दन काटती है, थाल में सजा के दूत को देती है और कहती है जा तेरे राजा को जाके दे देना मेरी निशानी। तब वो दूत युद्ध भूमि में जाता है, राजा जी को हादी रानी की निशानी यानी कि उनका कटा हुआ मुख देता है। राजा जी बड़े दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा जी रानी की अंतिम इच्छा समझ जाते हैं, रानी जी के लंबे बाल होते हैं, उन बाल की वो माला बनाते हैं, उनके मुख की माला बनाते, वो युद्ध लड़ते हैं, औरंगजेब से युद्ध जीतते हैं और जीतने के बाद राजा रावत वहीं युद्ध भूमि में अपना बलिदान देते, अपनी गर्दन काटकर वहीं अपने जीवन का त्याग करते हैं। यह है लव स्टोरी, पर बॉलीवुड इस पर फिल्म नहीं बनाएगी कि इतिहास चुराए नहीं है, हमने इतिहास बनाए हैं और लाखों शीश कटे हैं रण में तब जाके हिंदू कहलाए हैं। यह महान गौरवशाली इतिहास हमारा, पर बॉलीवुड इसका इतिहास हमारे समक्ष आने नहीं देता। अब रहा 25 से 35 वर्ष की महिला, कैसे बिगाड़ती है एकता कपूर, वही साड़ी, टिपिकल ड्रेस, टिपिकल गेटअप, पीछे उसकी सीरियल में एकता कपूर की सीरियल में पीछे बहुत बड़ी अंबे मां की मूर्ति, दिखाएंगे कैसे हिंदू महिला को, क्योंकि परिवार खत्म करना है हिंदुओं का। तो वो एक से प्यार करेगी, शादी दूसरे से करेगी, जीवन में तीसरा पुरुष आएगा, फिर दूसरा मर जाएगा, फिर उसको चौथा पसंद आने लगेगा, फिर जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगी किसके साथ जाऊं, दूसरे के साथ कि चौथे के साथ। क्या हमारी भारतीय महिलाएं, क्या हमारी हिंदू महिलाएं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम चार चार पुरुषों के साथ अफेयर करते हैं, क्या यह हमारा सम्मान है? और अगर यदि हम सब एक होकर इसके लिए नहीं बोलेंगे तो यह आवाज नहीं उठेगी। और दुख की बात यह है कि ऐसी एकता कपूर जैसी महिलाएं जो घर तोड़ने का काम कर रही है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल जाता है। कैसे मिलता है? भारत सरकार से आज इस भूमि पर खड़े होकर मैं निवेदन करती हूं कि आप ऐसी महिलाओं के पद्मश्री वापस लो, क्योंकि ये महिलाएं हिंदू परिवारों के मकान घर तोड़ने का काम कर रही है। और तीसरा और अंतिम, नौकरी करने वाली बहनों का दिमाग कैसे खराब करना है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये दिखाएंगे कि यदि आप नौकरी कर रही है तो आपके सास ससुर आपके पैर की जूती, आपका पति आपके पैर की जूती, बच्चा पैदा करने के लिए आपको किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है, आपको ससुराल व्यवस्था में रहने की जरूरत नहीं है और आप है फेमिनिस्ट और स्त्रीवाद का झंडा दिखाकर हमारी बहन बेटियों को एक हाथ में शराब का ग्लास, दूसरे हाथ से सिगरेट फूको, अंग्रेजी में गालियां बको और आप अपने आप को फेमिनिस्ट कहो, क्या यह फेमिनिज्म है भारत की धरती का? ये कभी नहीं हो सकता। रानी चिन्नम्मा रानी अब का फेमिनिज्म का उदाहरण है। और दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी परम पूजनीय दीदी मां साध्वी रितंबरा दीदी मां फेमिनिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष है। रानी नायिका देवी रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए फेमिनिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यहां उपस्थित सभी महानुभवों से हम यही विनती करते हैं कि फिल्म के माध्यम से ड्रग्स, अश्लीलता और गाली गलोच ये दिखाने के सिवाय कुछ नहीं होता। तो हम सब मिलकर एक साथ एक आवाज उठाए कि इन चीजों का बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम ये लोग अपने टीवी सीरियल और फिल्मों के माध्यम से कर रहे हैं। और क्योंकि शुरुआत भगवान राम जी के नाम से करी थी तो अंत भी हम भगवान राम जी के नाम से करना चाहेंगे कि कौन है राम,
राम जो है चेतना है, बिंदु है, बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज, तेज जो कि इस समस्त सृष्टि की रचना की कल्पना का हेतु है, अनाम है, अनाम जो है पंक्ति में प्रथम, प्रथम है धर्म धैर्य का।